हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी शिवानी शिवी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं जा रही हूँ कनॉट प्लेस और कनॉट प्लेस में मैं जा रही हूँ प्राचीन हनुमान मंदिर। काफ़ी टाइम से मन कर रहा था जाने का, तो अभी चल रहा है सावन का महीना तो मैंने सोचा कि क्यों ना चला जाए। और घर में बाकी सब रेडी हो चुके हैं, मुझे भी फटाफट से रेडी होना है और मैं सीधा मिलती हूँ आपसे प्राचीन हनुमान मंदिर पर। तो मैं पहुंच गई हूं प्राचीन हनुमान मंदिर और ये बाहर मंदिर के बाहर ये सारी मार्केट लगती है। यहाँ पर अगर आपको प्रसाद लेना है प्रसाद ले सकते हैं, फूल मालाएं ले सकते हैं, कचौड़ी खा सकते हैं, मेहंदी लगवा सकते हैं और अपने शू स्लीपर को भी बाहर आप सबमिट कर सकते हैं, जो कि निःशुल्क सेवा भी है। और अभी चल रहा है सावन का महीना और आज मौसम भी कितना अच्छा हो गया है, धूप भी नहीं है बिल्कुल। तो फटाफट से चलते हैं मंदिर के अंदर और फटाफट से बजरंग बली के दर्शन करते हैं। और ये है मंदिर का एंट्रेंस, तो फटाफट से जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। तो मैं अंदर दरबार में आ गई हूँ और सावन का महीना चल रहा है और दरबार बहुत ज़्यादा सुंदर सजाया हुआ है और बहुत प्यारे प्यारे भजन चल रहे हैं जिसपे सब लोग दरबार में अपनी हाजिरी दे रहे हैं। तो अगर अभी तक आप लोग दर्शन करने नहीं पहुँचे हैं तो फटाफट से दर्शन करने पहुँचो और अपनी अपनी मनोकामनाएं पूरी करो। तो दिल्ली वालों को तो इस मंदिर के बारे में पता है और जो नहीं, जिन्हें नहीं पता है, वो भी दर्शन करने आ सकते हैं और मनोकामनाएँ मांग सकते हैं। कहा जाता है कि सिर्फ दिल्ली से ही नहीं बल्कि दूर दूर से लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं, मन्नतें मांगते हैं। ट्यूसडे और सैटरडे को तो मंदिर में पैर रखने तक की जगह नहीं होती है। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भक्त दर्शन करने पहुँचते हैं। और कहा जाता है कि इस मंदिर की स्थापना पांडवों ने की थी। कहा जाता है कि पांडवों ने 5 मंदिर की स्थापना की थी जिसमें से ये प्राचीन हनुमान मंदिर एक है। और मेरी मम्मी मेरे से पूछ रही है कि मैं भी बाबा के दरबार में हाजिरी लगा दूं क्या, तो मैंने कहा हाँ हाँ ज़रूर। और उसके साथ मैंने भी मम्मी का साथ दिया और मैंने भी बाबा के दरबार में हाजिरी लगाई और बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत पॉजिटिव वाइब्स थी, दर्शन करके बहुत ही अच्छा लगा। कहा जाता है कि इस मंदिर में 1 अगस्त 1964 से आज तक लगातार श्री राम, जय जय राम का जाप जारी है, जिसके लिए इसे गिनीज बुक में भी शामिल किया गया है। दिवाली, हनुमान जयंती, जन्माष्टमी और शिवरात्रि के दिन मंदिर में बाल हनुमान का विशेष श्रृंगार किया जाता है। दिल्ली से ही नहीं बल्कि दुनिया भर से भक्त आते हैं इस मंदिर में दर्शन करने और मन्नतें मांगते हैं।
मेरे दर्शन हो गए हैं और बहुत अच्छे दर्शन मिले आज, बहुत ही मज़ा आया। और अगर आपको भी आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो ज़रूर कमेंट में जय बजरंगबली और जय श्री राम लिखना ना भूलिएगा। सो आज के लिए बस इतना ही। तो अब मैं भी निकलती हूँ घर की तरफ और आप सबसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत जल्दी। सो आज के लिए बस इतना ही। ओके बाय गाइस, टेक केयर। और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।